हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम विजय भट्टराय, जैसे कि सब जानते ही हैं। और मेरा नाम है अंकुर सेन, वो भी आप सब जानते ही हैं। तो आज का वीडियो कुछ थोड़ा अलग है। जैसे कि आपने देखा, मेरे चैनल पे लगभग सब प्रकार की वीडियो डल चुकी हैं, चाहे वो कॉमेडी हो, चाहे वो ब्लॉग हो, चाहे वो मोटिवेशनल हो, चाहे वो अनबॉक्सिंग हो। तो मैं सब कुछ कर चुका हूँ, तो मैंने कहा क्यों अपने आप को लिमिटेड रखूँ। तो मैंने कहा एक चीज़ बची, पॉडकास्ट, वो भी कर ही देते हैं। तो हमने सोचा कि एक पॉडकास्ट निकालते हैं, पॉडकास्ट बनाते हैं अबाउट कि यहाँ पे एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे आए, नॉट इवन ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई सी भी कंट्री में एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट कैसे जाएं, क्योंकि बेसिक प्रोसेस इज सेम, मतलब सब कुछ प्रोसेस सेम ही होता है, बेसिक प्रोसेस जो होता है सब कंट्रीज का। तो हमने सोचा कि इसी के ऊपर इन्फॉर्मेशन पॉडकास्ट बनाना चाहिए, लाइक इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनानी चाहिए एक। तो बस उसी के साथ हम आ गए हैं। तो बताओ अंकुर, आप यहाँ ऐसा क्या कर रहे हैं अभी? सो मैं अभी बैचलर्स इन साइकोलॉजी कर रहा हूँ फ्रॉम RMIT, विच इज़ रॉयल मेलबर्न इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। और मैंने अभी अपना थर्ड सेमेस्टर ख़त्म किया है, सो आई एम हाफ वे इन माई बैचलर्स डिग्री। गुड। तो अब मैं अपने बारे में बता देता हूँ। पहले तो मैंने कभी ऐसा अपनी वीडियोज़ में बोला नहीं है, लेकिन आज मैं बता देता हूँ कि मैंने यहाँ पे एज ए स्टूडेंट क्या किया है और अभी मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं 2019 में आया था एज अ बैचलर। मैंने जो कोर्स था मेरा, बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम्स था, उसको IT भी बोलते हैं, मतलब जनरल नॉलेज, मतलब जनरल लैंग्वेजेस IT जो मैंने किया था बैचलर्स, वो 3 साल का था। यहाँ पे 3 साल का होता है, इंडिया में इट्स 4 ईयर्स। और वो मेरा ख़त्म हुआ लास्ट दिसंबर में, और उसके बाद मेरी जॉब लग गई एक कंपनी में, मतलब कंपनी के IT डिपार्टमेंट में अभी मैं जॉब कर रहा हूँ, कॉर्पोरेट गाय 9 to 5, है ना। तो बस ये यही मेरी कहानी है अभी की। तो अभी आई एम मोर इंटरेस्टेड इन अंकुर्स कहानी, बिकॉज ये अभी अभी आया है और ये आप लोग को अच्छा बता पाएगा कि अगर आप अभी प्लान कर रहे हैं, है ना, अगर आप अभी अपना 12th ख़त्म करा है, आप अपना बैचलर्स ख़त्म करा है, आपको मास्टर्स करने आना है या फिर बैचलर्स करने आना है, सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल, आई एम प्रीटी श्योर। तो अब बस हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं हमारी क्वेश्चनिंग की जर्नी। तो जैसा कि तो आपने बताया, आपने क्या बताया, तुमने बताया यार, आप निकल रहा है, पॉडकास्ट की लैंग्वेज नहीं बोल सकते अपन अभी। आप बताओ, जैसा कि तूने बताया अभी कि बैचलर्स इन साइकोलॉजी RMIT में, तो जो पहला, जो मतलब कि मानो अभी कोई स्टूडेंट देख रहा है जिसने अभी भी 12th पास करी है, okay. या फिर करने वाला है, अभी कौन सा चल रहा है, अभी नवंबर चल रहा है ना, अक्टूबर चल रहा है, तो अभी सेशन खत्म होते हैं मार्च में, तो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अभी 12th में हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जो 12th पास करके तैयारी कर रहे हैं। तो जो पहला स्टेप क्या है, मतलब कि पहला स्टेप क्या है, मतलब जो सबसे इनिशियल स्टेप क्या होता है? सो अकॉर्डिंग टू मी, सबसे पहला स्टेप इज फोकसिंग ऑन IELTS, बिकॉज़ इफ यू आर गोइंग टू सम अदर कंट्री, इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री, सो IELTS इज द बेसिक थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब सबसे पहले IELTS तो चाहिए ही चाहिए, स्पेशली इन ऑस्ट्रेलिया, लाइक कोई भी कोर्स में, नो बैंड, लाइक लेस देन 6 या 5, बैचलर्स और मास्टर्स, बैचलर्स नो, बैचलर्स या बैचलर्स के लिए, तो बैचलर्स नो, नो बैंड, लेस देन 6, तो जैसे कि, तो अभी जैसा बोला तूने, बोला कि IELTS सबसे पहली चीज है, तो जो अभी 12th में पढ़ रहा है तो उसको अभी से पढ़ना चालू कर देना चाहिए, या फिनिश, पहले अपने 12th फिनिश करे, उसके बाद 3-4 महीना IELTS को दे, और कि वो अभी से चालू कर दे पढ़ना? डिपेंड करता है उसका इंग्लिश का लेवल कैसा है ना, अगर ऑलरेडी अच्छे लेवल पर है, सो 2-3 months मोर देन इनफ टाइम है, बट हाँ अगर थोड़ा सा लग रहा है खुद को से डाउट है, सो अच्छा रहेगा कि साथ में पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा थोड़ा टाइम, बहुत बड़ा टेस्ट नहीं होता IELTS, छोटा सा टेस्ट होता है, 4 बेसिक चीजें, रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग, छोटे-छोटे होते हैं, बट ट्रिकी बहुत होते हैं, तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना इजी होता जाता है, बट वही है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे मुश्किल हो सकती है, सो इट्स बेटर कि पहले से 3-4 महीने पहले से ही थोड़ा-थोड़ा करके, तो आगे एकदम से बहुत सारा नहीं करना पड़ेगा, बट या इट इज इजी टेस्ट, इजी टेस्ट मतलब एक एवरेज बच्चा कर सकता है, यस टोटली कर सकता है, मतलब जिसकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग इतनी ज्यादा भी अच्छी नहीं है, मान लेते हैं कोई एक एवरेज बच्चा है जिसकी इंग्लिश फ्लुएंट भी नहीं है, और उसको थोड़ा सा मतलब उसका ग्रामर भी इतना हाई लेवल का नहीं है, तो वो भी मतलब IELTS कर सकता है, ये एग्जैक्टली कर सकता है।
तो या मतलब मेरा भी पर्सनल एक्सपीरियंस यही है, पर मैंने बहुत पहले दिया था, तो आई डोंट नो इफ समथिंग चेंज इन आवर्स, बट या मैंने 2019 में दिया था एज आई ऑलरेडी सेड. तो या इसलिए मैं न्यूएस्ट एक्सपीरियंस लेने की ज़्यादा कोशिश करूँगा इस वीडियो में, रादर देन कि मैं अपना कुछ रखूँ. तो जैसा कि अभी बताया तूने कि फर्स्ट स्टेप हो गया। फर्स्ट स्टेप इस आइल्स है, तो अभी थोड़ी सी आइल्स के बारे में बात करते हैं, फिर उसके बाद बढ़ेंगे पहले स्टेप की और बात करते हैं. तो मान लेते हैं कि अभी वो कोई भी अभी जो देख रहा है वो 12th मतलब अभी पढ़ रहा है, और या फिर वो अभी पढ़ नहीं रहा, मतलब अभी कॉलेज या हाँ स्कूल या कॉलेज में नहीं है, फ्री है, फ्री बैठा है, वो सिर्फ अभी सोच रहा है कि मुझे क्या मुझे मतलब क्या मुझे फॉरेन कंट्री जाना चाहिए, वो अभी सिर्फ अपने माइंड में सोच रहा है ना. तो अभी घर वालों को नहीं बताया उसने, तो वो ये सोच रहा है कि क्या मैं अभी आइल्स पढ़ूँ, अंदर से खुद पढ़ लूँ, और जब रिजल्ट आ जाए, मतलब जब मुझे लगे कि हाँ नहीं अब मैं घर वालों को, क्योंकि अब रिजल्ट आ गया, कहीं से उसने पैसे जुगाड़ करके दे दिया एग्जाम, तो इन दैट केस वो कोचिंग नहीं लगा सकता, या फिर मान लेते हैं कि उसके पास कोचिंग लगाने का नहीं है, तो घर पे कैसे प्रिपेयर करें, मतलब घर पे बेयर मिनिमम में वो आइट्स की प्रिपरेशन कैसे करें. मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैंने घर पर ही प्रिपरेशन करी थी। सबसे फेमस बुक्स आइल्स के, जैसे आप गूगल पे डालते हैं तो वो आई थिंक वो कैम्ब्रिज आइल्स करके बुक्स आती हैं, उसमें लेवल्स हैं बहुत सारे, वो है। एंड बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं लाइक जो मैंने देखे थे, स्पेशली जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं ना, सो आफ्टर रीचिंग सर्टेन लेवल आप YouTube पे जाके टिप्स एंड ट्रिक्स उसकी होती हैं जस्ट टू क्रैक द एग्जाम, उसको तब देखो तो वो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है। बट ये प्रिपरेशन घर पे बिल्कुल हो सकता है उसका, वो हो कोई सकता है, यूपीएससी जैसा मतलब चीज़ नहीं है कि आपको बहुत हाँ ज़्यादा करना कि पड़ेगा। मतलब आपको कोचिंग ही लगाना पड़े, आप घर हाँ पे भी कर सकते हैं. जैसे कि मान लो एग्जैक्टली, अगर आपको आप इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड कर सकते हैं, बुक्स रीड कर सकते मूवीज, हैं. इंग्लिश मूवीज इतना पॉपुलर है इंडिया में, इंग्लिश मूवीज देखिए विद सबटाइटल ऑन, ताकि आपके रीडिंग स्पीड भी अच्छा होता जाए, लिसनिंग भी बढ़ रहा है साथ में, सब चल रहा है। नथिंग की कोचिंग ही लगेगी, घर पर हाँ प्रिपरेशन हो सकता है हो उसका। सकता है, मतलब आप बुक खरीद लें, आप अमेजोन अमेजोन पे जाकर या आप वो इतनी चीप बुक्स है लाइक 140-150 रुपीज में एक एक बुक आ जाता है, एंड इफ यू बाय अ होल बंडल जो मैंने किया था चार हाँ बुक्स का, अच्छा. सो वो और चीप पड़ता है। तो ये पहला टेक अवे आपको ये मिल रहा है इस इतने सेक्शन से कि आप आइल्स घर पे भी कर सकते हैं, और आप बढ़िया आप अपनी बुक खरीदें, उसमें जो मॉड्यूल्स हैं उसे एक एक करके पढ़ना चालू करें, यूट्यूब से वीडियो देखें. जरूरी नहीं है कि आप कोचिंग ही जाएं, क्योंकि मेरे को भी पर्सनली ऐसा लगता है आर्ट्स ऐसा ऐसी चीज़ है, आपको कोचिंग पे जाके कोई अलग से कुछ नहीं सिखा सकता, आपकी जितनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इंग्लिश की वो मेजर रोल प्ले करता है आर्ट्स में. वो आइल्स असेसमेंट भी इसी चीज का करता है कि आपकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है क्या इंग्लिश है का, मतलब आप कितना बहुत अच्छा बोलते हो उससे इतना मैटर नहीं करता, आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है कि हाँ बाहर वही जाके आपको जो वो कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाले हैं आप हाँ उसको कितना जल्दी कितना किस तरीके से कैच कर हाँ कि सकते हो, मतलब कोई कुछ वो अगर असेसमेंट होता है। अगर कोई कुछ इंग्लिश में कुछ बोल रहा है तो आप उसको कैप्चर कर पा रहे हो, मतलब क्योंकि जैसे आइल्स में लिसनिंग होता है, तो लिसनिंग में आपके पूरा लिसनिंग कैपेबिलिटीज है कि आप वो जो बोल रहा है उसको आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो कि नहीं, तो वो हो गया लिसनिंग. और स्पीकिंग सो इज एज नेम सजेस्ट कि स्पीकिंग मतलब आपको बोलना है कि आप अपने जो है विचार वो सामने वाले के पास प्रकट कर सकते हो कि नहीं, मतलब कि अगर आप कभी फॉरेन कंट्री में जाएं तो आप उसकी बातें सुन के आप उसको रिप्लाई कर सकते हो कि नहीं, तो दैट्स लिसनिंग इज स्पीकिंग. अब आता है राइटिंग, राइटिंग क्योंकि आपको लिखना भी पड़ेगा, क्योंकि आप बाहर कंट्री में आएंगे तो आपको बहुत असाइनमेंट्स सारे बनाने पड़ेंगे, या असाइनमेंट्स, आपको बहुत वो सारे। अगर मतलब थीसिस लिखने पड़ेंगे कुछ भी, तो आपकी वो राइटिंग उसमें जज होगी. एंड देन आता है रीडिंग, रीडिंग इज लाइक कि आप बेसिक है, एवरीवेयर इज यू हैव टू हाँ रीड, हाँ एवरीवेयर। एवरीवेयर, और आपके अंडरस्टैंडिंग दर्शाता है रीडिंग कि आप मतलब कि जो पढ़ रहे हो उसको कितना समझ रहे हो, है ना, इट्स अंडरस्टैंडिंग. तो यही था आइल्स के बारे में. तो आप मस्त, अगर आप आइल्स की प्रिपरेशन अभी चालू नहीं करी है तो अभी चालू कर दें, इट्स वेरी बेयर मिनिमम थिंग, आप घर पे भी कर सकते हैं. चार बुक खरीदिए, 800-900 रुपये में या बुक आ जाती है, इट्स दैट्स नॉट अ इट, बिग डील. उसके उसमें सारे मटेरियल्स हैं, हाँ और आप वंस यू स्टार्ट डूइंग इट आप और बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर हो ही जाएगी, वो अपने आप हो जाती हैं, वही प्रैक्टिस 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 है हाँ वही मेनली। प्रैक्टिस, हाँ धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते रहें तो हो जाता है.
और तो ये हो गया अपना फर्स्ट स्टेप अगर कोई. वन स्टेप हाँ स्टार्ट तो ये सेम है बैचलर्स, डजेंट मास्टर मैटर इफ यू डू कमिंग फॉर बैचलर्स और बैचलर्स मास्टर्स, मास्टर्स डॉक्टर डिग्री एनीथिंग डजेंट मैटर पीएचडी, या इवन इवन पीएचडी. हाँ लाइक डॉक्टर, सब सॉरी. कुछ आईएलटीएस इज अ मस्ट. लाइक कुछ भी हो जाए, कोई सा भी कोर्स हो, कोई सी भी हाँ. फील्ड. और इसका अल्टरनेटिव पीटीई करके भी है, या बट मीन वी आर या नॉट गोना गो डीप इन दैट पीटीई, बिकॉज हम दोनों ने ही नहीं करा है, तो या हम दोनों को ही कुछ आइडिया नहीं है, तो हम लोग इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलेंगे. पर हाँ, पीटीई भी कर सकते हैं, इस या अल्टरनेटिव ऑफ आइल्स. पीटी का लोग इसलिए नहीं करते क्योंकि कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अब पीटी एक्सेप्ट नहीं करती हैं. अच्छा. यस काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज में भी स्पेशली इन मास्टर्स वो लोग पीटी एक्सेप्ट नहीं करते. इसलिए आइल्स ऐसा है कि आप सारी कंट्रीज और सारे कॉलेजेस में हमें 100% एक्सेप्टेंस मिलेगी उससे, इसलिए अच्छा, लोग प्रेफर ही करते तो हैं. एक और एक अच्छी बात पता चली कि आइल्स में आपको, मतलब अगर आपने आइल्स करा है तो आप या नो प्रॉब्लम वनरेबल नहीं हो, एनीथिंग. आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो ना, दैट्स गुड थिंग. और तो ठीक है, तो पहला स्टेप हो गया आइल्स. तो अब सेकंड स्टेप क्या है, अगर किसी ने अब आइल्स कर लिया, उसके ओके 6.5 बैंड आ गए हैं, अब उसको अभी बैचलर्स रखते हैं, अब उसको बैचलर्स में अप्लाई करना है, डजेंट मैटर ऑस्ट्रेलिया, मतलब कोई ओके सा भी, क्योंकि मेरे को जहाँ कुछ हद तक पता है कि इसकी आधी से ज़्यादा प्रोसेस सेम होती है. सो आई थिंक सेकेंड स्टेप यही होना चाहिए कि सारी कंट्रीज में मेजरली दो इनटेक्स होते हैं. फरवरी मार्च इनटेक होता है एंड देन सितंबर जुलाई इस बीच में इनटेक होता है. ठीक है, तो हमेशा प्रोसेस या फिर आप जो भी कॉलेज या कंट्री जो भी चूज करें उसमें 6 मंथ्स का गैप एटलीस्ट लेके चलिए. 6 months का सिक्स गैप. मंथ्स का गैप एटलीस्ट क्योंकि अप्लाई करना एंड ऑल इट टेक्स टाइम. एवरीथिंग टेक्स टाइम, वीजा प्रोसेस एंड एवरीथिंग. सो 6 मंथ्स इज अ सेफ टाइम टू कीप बिटवीन योर प्रोसेस एंड योर इनटेक. ओके तो या सो सबसे पहले वही फेबररी एंड जुलाई सेप्टेम्बर इस आसपास के इनटेक्स होते हैं सारे ही कंट्रीज में. कुछ कोर्सेज कुछ कंट्रीज ऑफकोर्स वो डिफर कर जाते हैं, लाइक उनमें कुछ कुछ बीच में भी ज्यादा होता है. इंटेक होते या होंगे. हाँ. बट या मेजरली ये दो हर जगह होंगे ही होंगे. सो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी कंट्री चूज करना है सबसे पहला थिंग. तो ठीक है, तो स्टेप टू में क्या आ रहा है पहले, कि आपको कंट्री चूज करनी या है. मतलब टाइम ड्यूरेशन देख के कंट्री चूज कर लो कि हाँ हाँ 6 मंथ बचे हैं या पांच कि महीने 6 महीने हैं. तो आप कंट्री देखो आपके हिसाब से कि आपका कोर्स किधर सबसे अच्छा मिल रहा है, फीस कहाँ पर कितनी अफोर्डेबल है, और देन ऑफ कोर्स आपके लिविंग एक्सपेंसेस कहाँ पर, मतलब आपके हिसाब से वो पर्सनल थिंग्स हैं वो हाँ, सारी मतलब कि अगर चीजें. आपको कोई रिलेटिव्स या हैं किसी एग्जैक्टली फॉरेन कंट्री में, एग्जैक्टली देन हाँ, यू कैन चूज दैट कंट्री एज वेल. और हाँ, तो पहला पहला ही हो गया सेकंड स्टेप का, कि आपको पहले कंट्री चूज करनी कंट्री है चूज करना और है, आपको 6 महीने का 6 महीने का गैप गैप रखना रखना है पड़ेगा. बिटवीन द इंटेक्स. तो अगर जैसे कि कोई जो 12th में भी पढ़ रहा है, जो मार्च जुलाई जून जुलाई जुलाई ना हाँ तो जुलाई वो में, सितंबर इनटेक के लिए ही जुलाई कर के, तो पाएगा. या सितंबर के लिए कर या पाएगा, या पर तो ज़्यादा गैप नहीं हुआ ना फिर तो, जो जुलाई में फ्री हो रहा है, अच्छा वो जुलाई में रिस्क कर क्योंकि पाएगा. जो ट्वेल्थ का जो एग्जाम देंगे अब, या सो जो इट्स बेटर कि कि जैन आप इंटेक. जनवरी फरवरी इनटेक अप्लाई और करो. ऐसा तो नहीं होता कि कुछ ज्यादा ही लेट हो जाए वो बंदा, अगर जिसने मार्च यस में फिनिश सो किया है. या सो दैट वाज द केस इन लाइक मेरे केस में यही हुआ था कि बट मैं एज अ प्रोफेशनली फेंसिंग खेल रहा था तो मुझे जस्टिफाई करने में इतना प्रॉब्लम नहीं हुआ कि मेरा जो 2 साल का गैप था तो हाँ उस बीच में मैंने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स मेरे मेडल्स एंड ऑल सो हाँ मैंने वो दिखाया तो जस्टिफाई हो गया था कि मैं इस बीच में क्या कर रहा था. ओके. बट हाँ अगर आपका 1 साल इज ओके, 1 साल ओके, का सो कभी कोई एक साल दिक्कत का नहीं कोई है दिक्कत नहीं है. क्योंकि 1 साल दे ऑल्सो नो कि अप्लाई ओके, एंड प्रिपरेशन प्रोसेस ना. में या बट इफ अच्छा. यू आर गोइंग मोर देन 1 ईयर ओके ऑफ कोर्स यू विल हैव टू शो शो देम समथिंग कि हाँ भाई मैं इस बीच में ये कर रहा था. ओके, तो कैंडिडेट के पास इनफ टाइम है, मतलब कि हाँ वो 1 साल का मार्जिन रख सकता है. यस यस श्योर तो ठीक है, नो तो सेकंड स्टेप में क्या हुआ, आप पहले कंट्री चूज करें, देन आप इनटेक देखें, और प्रॉब्लम. ज्यादा हड़बड़ी ना करें, बिकॉज एज अंकुर सेड कि अपने पास 1 साल आप दिखा सकते हो, या डजेंट मैटर. आपने अगर मतलब थोड़ा, मतलब 6 महीने से ऊपर भी अगर रुकना पड़ रहा है किसी इनटेक के लिए, तो आप रुकिए, मतलब क्योंकि हड़बड़ी में हर बार, कभी हर बार मतलब गलती हो सकती है, ये डिसीजन लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट डिसीजंस ऑफ लाइफ होता है. लाइफ होता है. तो सही बात है कि आपका करियर इसमें आगे होने वाला सब है, कुछ अगर चेंज होने वाला है सब कुछ इसके चेंज होने बाद. वाला है, आपका मनी एफर्ट लग रहा है. तो ठीक है, सो सेकंड स्टेप इज चूज योर कंट्री एंड
कॉलेज को, कॉलेज भी चूज करना ही पड़ेगा अगर इंटेक देख रहे हो तो, फिर तो कॉलेज भी आ ही गया हाँ है ना। तो अगर आपने जैसे ही कंट्री चूज कर ले कि ओके नाउ यू नो कि हाँ मुझे लाइक इसमें ऑस्ट्रेलिया का एग्जांपल ले रहे हैं ना, ऑस्ट्रेलिया में कि हमने चूज कर लिया कि हाँ भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है, मेरा कोई वहाँ पर है या नहीं भी है जो भी, जैसे यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में बाकी कंट्री से कंपैरिजन आपको ज़्यादा बेस रेट पे है ऑन पार्ट टाइम जॉब एंड ऑल, तो जैसे आपने सब कुछ ऐसे कंसिडर करा, ठीक है आपने चूज कर, ठीक है ऑस्ट्रेलिया जाना है नाउ, अब आप चूज़ कर लो कि हाँ भाई यूनिवर्सिटीज़ कौन से, क्योंकि यहाँ पर लाइक बहुत हाई लेवल की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, देन हाँ थोड़ा इधर भी है, मिड देन लेवल, टेफ भी है एंड उसके नीचे फिर और भी है कॉलेजेस एंड ऑल, सो हाँ बहुत सारे वेराइटीज़ भी हैं, आपको यहाँ पे ऑप्शंस बहुत मिलते हैं, और ऐसा ही नॉट 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 इन ओनली ऑस्ट्रेलिया बट सब जगह है सब ऐसा ही जगह, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना आपको कि मैं 80% ऑफ द प्रोसेस इज सेम एग्जैक्टली है। द हाँ सेम, चाहे आप मतलब इंग्लिश इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में तो लगभग या सेम ही है। आई एग्जैक्टली डोंट नो सेम अबाउट यूरोप, यूरोप का क्या है, बट हाँ लेकिन यूरोप का भी 60-70% सेम ही है, या लाइक बेसिकली सेम। तो वही, तो सेकंड स्टेप में क्या आया कि आप पहले कंट्री, कॉलेज एंड इनटेक, फिर उसके बाद का क्या है प्रोसेस? अब किसी ने आइट्स भी दे दिया, कंट्री भी डिसाइड हो गई, कॉलेज भी चूज हो गया कॉलेज भी ओके चूज हो गया, अब इनटेक भी उसने माइंड में अपना प्रिपेयर कर लिया, इस इनटेक में करना, तो उसके बाद उसे क्या करना ओके चाहिए? सो जैसे ही इनटेक, जैसे अब जैसे मैं मेरे केस में मैं जुलाई इनटेक में आया था ओके सो मैंने मेरा प्रोसेस स्टार्ट कर दिया था जनवरी में, जनवरी एंड लास्ट में। सो सबसे पहले आपको कॉलेज में आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स भेज के आपका जो भी आपको कोर्स चाहिए वो उसके लिए एक ऑफर अप्लाई करना तो पड़ता है एक मिनट, तो जैसे डॉक्यूमेंट भेजना है तो उस डॉक्यूमेंट में क्या-क्या भेजना है? ओके आपने किस जब अगर आप बैचलर्स कर रहे हो तो आपका 12th का मार्कशीट एंड ऑल, 12th आपका पासपोर्ट एंड फ्यू बेसिक रिक्वायरमेंट्स, वो अलग अलग कोर्सेज पे अलग अलग कॉलेजेस पे डिपेंड करती है, बट मेरे केस में पासपोर्ट का कॉपी ऑफ कोर्स एंड अपना 10th का मार्कशीट, और जैसे कि मैंने बताया गैप जो था उसको जस्टिफाई करने के लिए मुझे वो देना पड़ता एंड दैट वाज इट सो कॉलेज सिर्फ इतना ही मांगता है, या आई स्कोर आइल्स स्कोर, पासपोर्ट, यप 10th 12th मार्कशीट, यस और अगर अगर इफ गैप गैप है है, तो अगर यस गैप है तो गैप व्हाट यू डिड इन द गैप, यस ओके दैट्स इट। दैट्स इट, ओके तो अपन उसके ने वो बाद वो असेस करते हैं और उस प्रोसेस में कभी ज़्यादा टाइम लगता है कभी कम टाइम लगता ओ है फॉर सीओई, या सी ओ तो ए ये फॉर या डॉक्यूमेंटेशन अपन ने सीओई के लिए भेजा है। एग्जैक्टली ओके हाँ ये सी ओ ए भी नहीं है, ये सी ओ ए बाद में आता है जब आप फी पे कर देते हो, ओ फी, ये बस एक ऑफर ऑफर लेटर लेटर, है, ओके दिस इज जस्ट सो एन ऑफर अच्छा, तो लेटर ये इज लाइक कि आप किसी कॉलेज में, जिस कॉलेज में अप्लाई कर रहे हो तो वहाँ अपनी सीट बुक कर रहे हो यस कि एग्जैक्टली हाँ कि क्योंकि आपको वो, आप उस मतलब आप उस आर यू कैपेबल इनफ, जैसे कि फॉर एग्जांपल इसके केस में आरएमआईटी, इसने आरएमआईटी में अपनी फाइल भेजी यस डॉक्यूमेंटेशन विद पासपोर्ट, आईएलटीएस 10th 12th और एंड गैप गैप, सर्टिफिकेट ही है तो अब उनने इसका प्रोफाइल देखा एंड देन दे विल बी लाइक कि हाँ इसको दे सकते हैं, तो या दे क्विज क्या होता है ना, हाँ जैसे अब कोई साइंस रिलेटेड कोर्सेज हैं लाइक एनीथिंग एल्स नॉट साइकोलॉजी बट कोई दूसरा कोर्स है, तो वहाँ पर ऑफ कोर्स उन लोग को 10th 12th आई मीन 11th 12th में बायो चाहिए या कुछ स्पेसिफिक हाँ सब्जेक्ट लाइक चाहिए उसको असेस करते ऑफ हैं, कोर्स अगर कोई, अगर हाँ जेन्युइन कैंडिडेट है सो वो ऑफर लेटर भेज देते हैं, और ऑफर लेटर का मतलब ये है कि यस यू आर रिजर्व फॉर दिस दिस कोर्स पर्टिकुलर कोर्स और कॉलेज। दैट्स इट ओके सो अपनी, अब अपन ने डॉक्यूमेंटेशन भेजा, सीट रिजर्व हो गई है, मतलब कि कॉलेज ने अपन को ऑफर लेटर ऑफर कर दिया है, यस तो उसके बाद का स्टेप क्या है? ओके अब ऑफर लेटर आ गया है, हाँ सो ऑफर लेटर के साथ कुछ चीज़ें आती हैं, एक तो होता है कि आपका फी का आता है, फी फी स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर आ गया कि ओके आपको ये रहेगा इतना इतना इनटेक है, सारी चीज़ें बता देते हैं, 3 साल का कोर्स है, हाँ इस कोर्स में आपको ये मतलब इस सेमेस्टर में ये पढ़ना है, वो फ्लेक्सिबल भी होता है बट वो एक एक जनरल स्ट्रक्चर दे देते हैं आपको, ठीक है ऑफर लेटर आ जाता है उसके फिर आपको फी पे करना है उनको, आपने जैसे ही उनको अगर फी पे करी तब आपको मिलता है सीओई विच इज सर्टिफिकेट ऑफ एनरोलमेंट आई थिंक दैट सर्टिफिकेट ऑफ या गवर्नमेंट, समथिंग, हाँ अगर आपको वो मिल जाता है उसके बाद आप वीजा अप्लाई कर सकते हो, उसके बिना वीजा अप्लाई नहीं कर ओके सकते ओके सो व्हाट यू टेलिंग मी इज कि ऑफर लेटर आया, उनने अपन को बताया कि फी स्ट्रक्चर इज दैट, यस तो फी जब अपन को पे करनी है तो उसमें वो लिख के देते हैं कि 6 महीने की पे करनी है कि 1 साल की पे करनी है कि पूरी
पूरे साल की पे करनी है। लाइक अगर मेरा कोर्स 3 साल का है तो मुझे अब मान लेते मेरा कोर्स 3 साल का है और मेरी फीस है 60K, है ना? तो अब मुझे जो फी पे करनी है, क्या ये फ्लेक्सिबल है कि मैं 6 महीने की भी कर सकता हूँ और 1 साल की भी कर सकता हूँ, या मुझे 6 महीने की ही करनी है या 1 साल की ही करनी है? सो इन माई केस हाँ ऐसा था कि मेरे को सिर्फ 6 महीने की ही पे करने का ऑप्शन था, ओके क्योंकि हर सेमेस्टर में आप 4 यूनिट्स, दैट मीन्स 4 सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, अलग अलग सब्जेक्ट के अलग अलग प्राइस होते हैं यहाँ ओके पर। ओके, सो इफ अ कोर्स इज लाइक कम्प्लीटली ऑनलाइन, उसका प्राइस मे बी ऊपर नीचे हो। इफ अ कोर्स इज लाइक समथिंग लैब रिलेटेड तो हो सकता है उसका प्राइस ज़्यादा हो। ज्यादा हो इसलिए ओके तो उस जो फर्स्ट सेमेस्टर था मेरा, हाँ सिर्फ उसकी ही फीस पे करनी थी, तो इसलिए सिर्फ उस यूनिट्स की फीस पे करके आया था मैं। और सब 6 महीने की यस, 6 महीने, मतलब वो ओके फर्स्ट सेमेस्टर, यहाँ पे एक सेमेस्टर 6 महीने का होता है, तो बस सिर्फ ओके 6 महीने का मैं फीस पे करके आया। और आई थिंक मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज इज फ्लेक्सिबल, आप 6 महीने का भी कर सकते हो और अगर आप हाँ, बिल्कुल विलिंग कर टू सकते वन हो। ईयर आप 1 साल का भी कर सकते यस, हो अगर आप आपका बट पूरा टाइम टेबल सेट कर रहे हो आगे के पूरे 1 साल का, हाँ। तो मे भी आप कर सकते हो। और उसके साथ व्हाट अबाउट हेल्थ इंश्योरेंस एंड स्टफ, उसी टाइम या पे करना पड़ता है कि? उसी टाइम भी ले सकते हो, या फिर अगर आपको पर्सनल, जैसे मैंने, मेरे केस में मैंने RMIT यूनिवर्सिटी का ही इंश्योरेंस, विच वॉज लिंक्ड विथ तो मेडिबैंक, मैं सॉरी आपको मेडिबैंक। बता दूं, अगर आपको नहीं मालूम, अगर आप फॉरेन कंट्री में पढ़ने जाते हैं तो आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेना मस्ट होता है और वो यस, पहले ही लेना पड़ता है, आप या ये नहीं वीजा कि आप अप्लाई करने से हाँ पहले। वीजा अप्लाई करने के पहले ही आपको हेल्थ इंश्योरेंस भी लेना होता है। तो हम उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस भी जब फी पे कर रहे हैं तभी पे करें कि बाद में भी पे कर सकते हैं, यस तो बाद में भी पे कर सकते हैं इसको। यस हाँ, आप इंडिविजुअली अगर आपको पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस लेना है आप वो भी ले सकते हैं। मैंने मेरे केस में RMIT का ही जो मेडिकेयर से अच्छा लिंक मतलब था। यूनिवर्सिटी का ही यस यस ओके यस, ओके तो ओके उससे क्या था कि आपको यूनिवर्सिटी के अंदर ही पूरा मेडिकल हब था उनका, तो वहाँ पर ही सब कुछ, और इस वाले मेडिकेयर में काफ़ी ज़्यादा कवर कर लेते हैं लोग थोड़ा बहुत। अच्छा मतलब ओके हाँ पर्सनल से थोड़ा सा एक्सपेंसिव था, बट वो थोड़ा ज़्यादा फायदेमंद था, तो मैंने वही चूज़ कर लिया। ओके तो मतलब वी हैव फ्लेक्सिबल हाँ, चॉइसेस आप पर्सनल लेना चाहो पर्सनल ले सकते हो, अगर हाँ आपकी, सारी यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती हैं, ओके सारी बिग यूनिवर्सिटीज ऑफर यूनिवर्सिटीज नहीं करती, अच्छा अच्छा यहाँ की जो G8 यूनिवर्सिटीज शायद शायद वही करती हैं, हाँ तो मे बी वो भी डिपेंड करेगा आपकी यूनिवर्सिटी पे, तो या दैट मैटर्स, बट आपको लेना तो पड़ेगा, उसके बिना वीजा अप्लाई ही नहीं कर हाँ मतलब सकते। वो तो मस्ट ही है, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना ही पड़ेगा, उसका कोई कोई वर्क अराउंड नहीं है, मतलब आप कोई इधर मतलब नहीं कर कोई सकते, वो लेना ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। ऑल्टरनेट रूट है ही नहीं, वो लेना ही पड़ेगा। तो ठीक है, ऑफर लेटर आ गया, फी पे कर दी, इंश्योरेंस सिक्स लिया। मंथ्स की फी पे कर दी एंड इंश्योरेंस भी पे कर दिया। ओके, और ये अपन फी तो अपन कॉलेज को पे कर रहे हैं, यस यस इंश्योरेंस यस, किसे पे करते हैं अपन? इंश्योरेंस का मेरे केस में तो RMIT को ही गया था, क्योंकि ये कॉलेज का मेरा ही था। उससे ही था। और अगर सो पर्सनल लेते तो फिर जिससे ले रहे हैं या तो जैसे अलग अलग कंपनीज है ना यहाँ पर, बूपा एंड ऑल, उनको पे होता है, उनकी रिसीट जो भी, उनका पूरा एक वो आ जाता है, ओके उसके थ्रू आप वीजा अप्लाई कर ओके सकते हो। सो वी कैन शो द रिसीट। यस अच्छा यस यस, रिसीट बता हाँ कि हाँ कि मैंने भी या ओके ऑफ वो कोर्स उसका आपका पूरा एक जनरेट आईडी जनरेट हो जाती है, जैसे ही आपने आपका इंश्योरेंस लिया आपका एक आईडी जनरेट हो जाता है, ओके वो भी शो कर सकते हो, एनीथिंग वर्क्स। तो ठीक है, तो अब कहाँ तक पहुँच गया अपन कि अपन ने फी पे कर दिया, इंश्योरेंस ले लिया है, या अब उसके बाद का प्रोसेस क्या है? ओके, अब आता है थोड़ा सा हेक्टिक, कुछ केस में बहुत ज़्यादा हेक्टिक प्रोसेस, ओके फाइनेंशियल। आई कैन या आई कैन टेल फाइनेंशियल ओके सो ओके, फाइनेंशियल स्टेप अब इंडिया से तो आने के 2 पाथवेज हैं, आइदर यू गेट अ लोन या फिर आप आपकी सेविंग्स के थ्रू आ रहे हो, ओके सो दोनों में बहुत चेंजेस हैं, अलग अलग हैं। हाँ ओ यू हैव टू बी अपडेटेड, मतलब कि हाँ क्योंकि वो चेंज होता रहता है यस रूल, हाँ, ये चेंज भी हर होता रहता कंट्रीज है, के रूल चेंज बिल्कुल। होते रहते हैं तो हाँ, यूके का थोड़ा अलग सीन है, यहाँ से यूके में आपको उतना ज़्यादा फाइनेंशियल का दिक्कत नहीं होता दिखाने का, आप बस फीस पे करो ओके और आप जा सकते हो, आपने 6 महीने की फीस पे करी, आपको कुछ अच्छा इतना कुछ दिखाना सो नहीं यूके इज मोर फ्लेक्सिबल देन है। ये ऑस्ट्रेलिया, मच मच मोर, मच मोर ये ओके सो या ऑस्ट्रेलिया आना बस इस वजह से थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर फाइनेंशियल आपको बहुत स्ट्रांग दिखाना पड़ता है या होना ओके पड़ता है। बट या सो मेरे केस में मैंने जैसे बताया कि मैंने 6 मंथ की फीस पे कर दिया, उसके बाद अगर आप सेविंग्स दिखा रहे हो तो आपको पूरा 1 साल का फीस और एक्सपेंसिव दोनों मिला के शो करना पड़ता है आपके अकाउंट में। बैलेंस या अकाउंट बैलेंस। यस तो 1 मिनट,
तो फी पे करने से ही पहले अगर आप फाइनेंशियल स्टेप ले आए, स्टार्ट कर रहे हैं वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि एटलीस्ट अगर आप हाँ सेविंग्स मतलब कर अगर रहे हैं। मतलब ऐसा कि जब ऑफर लेटर भेज रहे हैं हम किसी किसी भी कॉलेज में, तभी अपना फाइनेंशियल भी स्टार्ट कर दें। ये ओके एग्जैक्टली, हाँ मनी सेव्ड एक अकाउंट में, आपके पापा का हो या फिर आपकी मम्मी का, जिसका भी ब्लड रिलेटिव होने चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये ओके, ध्यान तो रखिए। हर किसी के हाँ अंदर रख सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपके दोस्त के अकाउंट में रख रहे हैं, वो दिखाएंगे तो ओके, वीजा सो इट हंड्रेड हैज परसेंट टू बी रिजेक्ट हो जाएगा, ब्लड 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 रिलेटेड। रिलेटिव होना ही पड़ेगा। सो या तो सेविंग्स अगर आप दिखा रहे, जैसे मैं आया था, तो आपको एक साल की फीस प्लस एक साल का ऑस्ट्रेलियन एक्सपेंसेस, वो एक्सपेंसेस वो उनकी होम अफेयर्स की वेबसाइट पे ईयरली अपडेट होता रहता है। सो या मेरे केस में इन दोनों को मिला के 26 लाख हो रहा था, एक साल का एक साल का पूरा फीस, फीस एंड एक साल का पूरा लिविंग तो ये एक्सपेंस छह मिला। महीने हटा दें अगर नहीं, वो मैं, इंक्लूडेड, वो ओ इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड, ओके 6 महीना प्लस 6 महीना प्लस पूरा 12 महीने का लिविंग एक्सपेंस इन मेलबर्न ओके और जो भी ओके कंट्री है, जो भी ओके, कंट्री है या फिर आप कहीं भी जा रहे या हैं। और एक और चीज़ है, मेलबर्न में लिविंग एक्सपेंसेस ज़्यादा है, एट द सेम टाइम सम अदर सिटी वहाँ पर कम लाइक होगा, पर्थ, या जो मतलब थोड़े जैसे इनकी रीजनल सिटीज़ हैं वहाँ कम ओके होगा, तो वहाँ पर मे बी आपको कम वो दिखाना पड़े, ब्रिस्बेन, पर्थ, या ठीक ओके है। सो वो भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ओके, होगा। तो वो सिटीज में भी डिपेंड करेगा कि यस आप कौन सी सिटीज में जा रहे हो, तो उसका लिविंग एक्सपेंस, ऑफ कोर्स ठीक लिविंग है, एक्सपेंसेस तो डिपेंड्स मेरे अपॉन केस में सिटीज। इंक्लूडिंग फीस एंड इंक्लूडिंग माय लिविंग एक्सपेंसेस, एक साल का यस, तो वो 26 लाख, ट्वेंटी लैक्स, फोर फोर 25 से 26 लाख ऐसा आ रहा था। ओके सो या मैंने मेरे अकाउंट में सेविंग्स में 31-32 लाख ऐसे रखा हुआ तो था, थोड़ा एक्स्ट्रा रखा या जस्ट टू बी फॉर ऑन द सेफर सिक्योरिटी, साइड, टू बी ऑन द सेफर साइड। तो मैंने थोड़ा ज़्यादा ही रखा हुआ था। बट या और या इसको आप कुछ एटलीस्ट 3 मंथ्स आपके अकाउंट के स्टेटमेंट में ये होना चाहिए। ओके, तो एक पॉइंट अभी आया जो कि जब आप सोच रहे हैं कि जब आपने आइल्स दे दिया है सारे तब से रिकमेंड, आप रख तब से लीजिए। आप पैसा रखना चालू करें, और अगर आप बहुत ज्यादा ही क्लियर हो और आपने घर में बता दिया है कि मेरे को बाहर जाना है, तो आइल्स करने से पहले भी आप फाइनेंशियल का सोचना स्टार्ट कर या बिल्कुल सकते बिल्कुल, कि आप लोन लेने वाले हैं कि आप सेविंग्स दिखाने वाले हैं। अगर सेविंग्स दिखाने वाले हैं तो पहले से ही रखना चालू करें पैसा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि और लोन, आई या गेस लोन में आपको इतना बैलेंस नहीं दिखाना, ना तीन ना महीने ना पुराना या चार नहीं महीने पुराना दिखाना पड़ता है नहीं ना। तो लोन में, इस लोन प्रिटी स्ट्रेट अवे, अगर आपके पास इनफ प्रॉपर्टी और इनफ लैंड है मतलब रखने के लिए, तो यू या कैन जस्ट गो स्ट्रेट अवे लोन। बट अगर अगर आप लोन, सेविंग्स के थ्रू दिखाते हुए आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आपको 3 महीना एटलीस्ट रखना पड़ेगा। एंड आल्सो वन मोर थिंग दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट इज टैक्स रिटर्न्स, ओके, सो व्हाट एवर यू अर्निंग, या उसकी ओके कॉपी से ऑस्ट्रेलिया आने में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ओके अगर आपने ऐसे दिखाया कि हाँ आपके अकाउंट में 32-33 लाख है, बट हाँ आपके टैक्स रिटर्न उसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, ओके, सो ऑफ लाइक 90% श्योर है कि आपका एप्लीकेशन नहीं नहीं अप्रूव लगेगा। होगा। हाँ ओके, तो इस तुमने चीज में ये लोग उन बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, तो बहुत उनको ज्यादा। प्रूफ चाहिए कि 30 लाख कहाँ से आया है। आपका है ये जस्टिफाई आपको करना पड़ेगा कि तो हाँ अगर तो जैसे कि अब किसी ने किसी से, अगर लेट से किसी को मतलब कोई आना कोशिश कर रहा है आने की, और उसने किसी रिलेटिव से अपने पैसे बोरो करें ताकि वो बैंक स्टेटमेंट दिखा सके, तो फिर वो उसका वो कैसे दिखाएगा उसका बैकग्राउंड। सो आई वुड से कि हाँ ब्लड रिलेटिव हो ओके, तो जैसे चलेगा उनका चाचा, टैक्स बड़े रिटर्न, या पापा, बिल्कुल चलेगा तो उनका वो टैक्स लोग, रिटर्न चलेगा अच्छा उनका टैक्स रिटर्न चलेगा, चलेगा। ब्लड रिलेटिव होगा जब तक कि आप। हाँ, तो बस जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कोई अप्लाई कर रहा है, उनके चाचा या बड़े पापा ने उनकी हेल्प करी, लेट्स से बिल्कुल दस उनके दस टैक्स लाख रिटर्न, तो उनके टैक्स रिटर्न वो लोग दिखा सकते बिल्कुल हैं। बिल्कुल, ओके, तो ये और अच्छी बात है। वो अच्छा भी रहेगा, उससे ओके क्या रहेगा हाँ कि पूरा आपका जो यहाँ का एक्सपेंसेस का लोड है वो सिर्फ आपके पापा नहीं उठा रहे हैं, इट्स गेटिंग ओके डिस्ट्रीब्यूटेड, सो ओके, आपका लाइक प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग करेगा। अच्छा ना बढ़िया है। मेरे केस में भी पापा, मेरे दादाजी हाँ और मेरी बुआ, 3 लोगों का पे हमने डिस्ट्रीब्यूट करा था। ओके तो या क्योंकि अगर आप इतना बड़ा अमाउंट दिखा रहे हैं, तो आपका ऑफकोर्स टैक्स रिटर्न बहुत ज़्यादा होना चाहिए, लाइक 30 लाख को हाँ जस्टिफाई करने के लिए। और या ऑफ कोर्स, तो इसलिए मैंने भी उसको डिवाइड कर दिया था तीन ओके लोगों में, प्लस टू में माय प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग। ओके ओके, सो फाइनेंशियल स्टेप इज लाइक, ओ व्हाट अबाउट लोन,
लोन तो लोन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, लोन प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड, अगर आपको लोन मिल रहा है, अगर बैंक लोन दे रहा है तो अगर इन लोग को इतना वेरीफाई करने की जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि बैंक ऑलरेडी वेरीफाइड इट। ओके, बैंक, और डिपेंड करता है आप किस बैंक से ले रहे हो। ओके, अलग अलग टाइप के बैंक, जैसे बड़े बड़े बैंक जैसे आईसीआई, एसबीआई, अगर इनसे ले रहे हो तो ऑफकोर्स वो हेल्पफुल रहेगा आपके प्रोसेस में। ओके, सो रेप्यूटेटेड बैंक से अगर लोन ले रहे हैं तो इट्स गुड। तो या बिकॉज लोन इज लाइक समथिंग की यू ऑलरेडी वेरीफाई हो चुका है, बैंक आपको लोन दे रहा है, दैट मींस आपके पास इनफ प्रॉपर्टी है आपके पास। और एक और चीज इसलिए भी रहता है क्योंकि लोन जो है वो पूरी स्टडी के लिए लेना पड़ता है आपको। आधी स्टडी के लिए लोन नहीं लेके नहीं दिखा सकते, लाइक 3 इयर्स का कोर्स। अच्छा, अगर 3 इयर्स का है और अगर मैं 60K इज माय फी, तो पूरा 60K का लोन, 60K से ज्यादा का लोन होना चाहिए थोड़ा। ओके, एंड लिविंग एक्सपेंसेस, तो लिविंग एक्सपेंसेस का भी हाँ थोड़ा बहुत ऑफ कोर्स रहेगा। हाँ, कि एक साल का मे भी लिविंग एक्सपेंस भी इंक्लूड हो, लाइक आई एम नॉट श्योर अबाउट लोन। अच्छा, मतलब 2 साल का वो लोग कुछ उन्हें, दे डोंट केयर। अगर आपने 1 साल का बैलेंस दिखा दिया कि मैं पे कर सकता, वो बिलीव कर दे कि हाँ दे आर स्ट्रॉन्ग इनफ कि अगर वो 1 साल का सेविंग्स ही रख सकते हैं, सो ऑफ कोर्स दे कैन सपोर्ट। हाँ, ये बढ़िया है। अगर अगर आप बिकॉज़ गेटिंग अ लोन अप्रूव्ड इन इंडिया, इट्स नॉट एन इजी थिंग। इसलिए एक और पाथ भी है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, तो फाइनेंशियल भी सेट हो गया। अब आपने फी पे कर दी, अपन ने अपना हेल्थ केयर भी पे कर दिया, तो अब कॉलेजेस सीओई भी भेज दिया। ओके, ऑफ कोर्स जैसे आप फी पे करोगे विद इन अ वीक, सीओई आने के बाद का क्या प्रोसेस? और आपने ऑफकोर्स 3 महीने तक आपका पैसा रखा है, तो फर्स्ट थिंग यू शुड डू इज गेट योर मेडिकल डन। ओके, मेडिकल लाइक फुल बॉडी चेकअप? अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग टाइप के मेडिकल उनके फिक्स्ड है। ओके, कि यहाँ जाना है तो आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी आपकी कंट्री, आप किस कंट्री में जा रहे हैं, उनका क्या रिक्वायरमेंट है अबाउट मेडिकल। या सो या बहुत हर मतलब इंडिया में तो बहुत कॉमन है, हर जगह हो जाता है। सो या गेट इट डन, उसके भी एक वीकली अपॉइंटमेंट्स, एक वीक प्रायर में अपॉइंटमेंट करवा लो, अच्छा रहेगा। एक वीक पहले, क्योंकि उसकी रिपोर्ट भी आने में टाइम लगता है, और वो रिपोर्ट आपको नहीं मिलती है, इट डायरेक्टली गोज टू वीजा ऑफिस में जाती है सीधा। ओके, तो ये मेडिकल सीओ आने के बाद करवा सकते हैं? उसी के बाद कराना पड़ता है। अच्छा, उसी के बाद। और आई थिंक आपको वीजा लॉन्च करना है, एक हैप आईडी जनरेट होता है, उसके बाद ही आप मेडिकल करा सकते हो उस आईडी के थ्रू, विदाउट आईडी। पहले अपन वीजा लॉन्च करेंगे, या उसके बाद एक हैप आईडी होता है, उसका फुल फॉर्म आई डोंट नो। ओके, हैप आईडी, सो ओके, जितना मैं समझ पा रहा हूँ कि सीओई आने के बाद अपन वीजा लॉन्च कर देंगे फॉर मतलब व्हाटएवर कंट्री यू आर ट्राइंग टू अप्लाई, एंड देन उसके बाद एक आपका अकाउंट क्रिएट होगा, हैप आईडी क्रिएट होगी, वो आईडी आपके पास आएगी, देन यू कैन बुक फॉर मेडिकल। आई थिंक मेरे को भी ऐसे कुछ याद आ रहा है, क्योंकि उसके बिना मेडिकल बुक नहीं, क्योंकि फिर वो लोग आई थिंक, हाँ वो लोग भी मेडिकल नहीं करते, बिकॉज इट्स मतलब ये दूसरा टाइप का मेडिकल, ऑफ कोर्स अलग टाइप का मेडिकल, और क्योंकि इसकी रिपोर्ट अपने को नहीं, डायरेक्ट एम्बेसी लाइक ऑस्ट्रेलिया आती है, सो मेक सेंस क्योंकि हाँ, इसलिए आपको जैसे ही आपने वीजा लॉन्च किया, वो वीजा आपकी फाइल असेस नहीं होगी जब तक कि आपका मेडिकल। ओके, इसलिए जैसे आपने वीजा फाइल किया, आपकी एक आईडी जनरेट होती है कि हाँ आपका वीजा नंबर ये है, जो भी फाइल हो लग गया, वंस यू गेट दैट, बुक योर मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट, ओके ओके। और मेडिकल टेस्ट में भी कुछ मतलब उनकी भी रिक्वायरमेंट्स होती होगी, आप में कुछ व्हाट टाइप ऑफ डिसेबिलिटी दे डोंट एक्सेप्ट, मतलब नॉट डिसेबिलिटी बट लाइक, मतलब ऐसा क्या हो कि जिस बंदे को मतलब अगर ये प्रॉब्लम हो तो वो नहीं आ सकता, नहीं आ सकता, इट्स लाइक या ऑस्ट्रेलिया इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट ऑल दिस स्टफ, सो कोई भी मेजर बीमारी लाइक स्पेशली वायरस रिलेटेड बीमारी, अच्छा वायरस जो कि फैल सकता है, जो कि लाइक सो पिछले कुछ टाइम में ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, हां एनी वायरस रिलेटेड बीमारी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज या ऑफ कोर्स वो प्रॉब्लम करेगा। बट मेरे केस में ऐसा कुछ भी नहीं था, मतलब ऐसा बहुत रेयरली होता होगा जिनका मेडिकल प्रॉब्लम, बाकी मेडिकल से तो
इट्स नॉट, अगर आपको लगता है कि आप फिट इनफ हैं तो नहीं होगा मेडिकल का. ठीक है, मेडिकल हो गया, मेडिकल का रिपोर्ट भी एम्बेसी में चला गया, अब एम्बेसी के हाथ में है जो भी यस, है. अब एवरीथिंग, अब अब आपको सिर्फ एक यू चीज कैन करनी है, होल्ड टाइट वेट. एंड या वेट. वेट, ओके, तो मतलब आप सिर्फ वीजा आने का वेट कर सकते हैं और यस, कुछ नहीं कर सकते आप. बिल्कुल. तो अगर मैं इसको, अगर पूरे प्रोसेस को एक बार में बोलूँ, तो मेरे को जहाँ तक समझ में आया कि अगर आप फॉरेन कंट्री जाना चाह रहे हैं तो आपको सबसे पहले आइल्स देना है. आइल्स देते देते ही आपको फाइनेंशियल भी, आपको प्रोसेस मेंटली स्टार्ट करना है यार. मेंटली और फिजिकली आप ट्राई मतलब स्टार्ट कर दो, क्योंकि इट टेक्स टाइम. आइल्स का रिजल्ट आ गया, आप कंट्री डिसाइड करें कि आपके कौन सी कंट्री में जाना है, देन आप कॉलेज डिसाइड करें, उसके बाद इनटेक डिसाइड करें कि आप कौन सा इनटेक लेने वाले हैं. जैसे कि जनरली दो इनटेक होते हैं, मार्च अप्रैल ना, फ़रवरी, फ़रवरी फ़रवरी मार्च एंड एंड देन जुलाई सितंबर. जुलाई सितंबर. तो ये दो इनटेक में से आपको कौन सा इनटेक रखना है, और मिनिमम 6 महीने का गैप रखें, है ना, और 1 साल का, आप 1 साल का गैप जस्टिफाई करना इट्स ही फाइन, चाहिए. जस्टिफाई कर सकते हैं कि आप प्रिपेयर कर रहे थे, तो इट्स नॉट अ बिग डील. और उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद देन आप या आपने जस्ट सेंड योर एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट लॉन्च टू द कर दिया कॉलेज, या अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो कॉलेज को सेंड करिए फॉर ऑफर लेटर. तो डॉक्यूमेंट में क्या होता है, आइल्स का डॉक्यूमेंट, पासपोर्ट, योर 10th 12th सर्टिफिकेट, और अगर आपका 1 साल से ज़्यादा का गैप हो चुका है, वट एवर यू स्टडीड बिफोर, तो आपका वो कि आपने वो 1 साल के मतलब 1 साल से उसमें क्या किया, तो उसका एक सर्टिफिकेट बना के वो भेज सकते हैं. देन जब ऑफर लेटर आया, ऑफर लेटर आने के बाद इसमें फी पे करनी है, कि उसमें फी पे का स्ट्रक्चर रहता है. आप फी पे करेंगे कॉलेज को, और अपना हेल्थ हेल्थ केयर जो भी आप लेने वाले हैं उससे पे करेंगे. उसके बाद COE आएगा, COE आने के बाद यू कैन लॉन्च योर वीजा. वीजा लॉन्च होने के बाद आपका हैप आईडी क्रिएट होगा, जिसमें आप मेडिकल कर सकते हैं. मेडिकल करने के बाद यू डन एंड यू यू कैन जस्ट वेट फॉर योर रिजल्ट. आई थिंक दैट्स इट. इतना ही प्रोसेस है बाहर. अगर आप जाना चाहते हैं किसी भी कंट्री में, तो इट बेसिकली सेम प्रोसेस फॉर मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. आई वोंट से एवरी कंट्री, बट या मोस्ट ऑफ द कंट्री हैव द सेम प्रोसेस. दैट्स ऑल. एंड बेसिकली सेम फॉर बैचलर्स एज वेल, लाइक सॉरी मास्टर्स एज वेल. इफ यू वांट टू डू अ मास्टर्स हियर इन ऑस्ट्रेलिया, और डजंट मैटर वट एवर कंट्री यू ट्राइंग टू अप्लाई, इज बेसिकली द सेम प्रोसेस एज बैचलर्स. सो या आई थिंक दिस इज वॉट इट इज. इस पॉडकास्ट के लिए अपन इतना ही रखते हैं. अगर इस पॉडकास्ट को अच्छा प्यार मिला और अच्छे लोग देखे, जैसा कि होता नहीं है ज्यादा मेरे केसेस में, पर हाँ, अगर इस पॉडकास्ट को थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज्यादा प्यार मिला, तो नेक्स्ट पॉडकास्ट बना सकते हैं कि आप ऑस्ट्रेलिया मतलब लाइफ इन लाइक ऑस्ट्रेलिया कैसी लाइफ इन ऑस्ट्रेलिया और लाइफ इन एब्रोड, मतलब कि जैसी लाइफ हमारे यहाँ पर है फेयरली सबकी, वैसी वैसी लाइफ अदर कंट्रीज में भी रहती है. वो मतलब सेम है, तो हम उस पर भी एक पॉडकास्ट बना सकते हैं कि आप जब शुरू में आए तो क्या करें, क्या ना करें, कैसे अपने आप को सर्वाइव करें. क्योंकि मैं यहाँ पे 4 साल से हूँ, ये यहाँ पे 1.5 साल, 1.5 साल से है. तो वी हैव बिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग कि आप कैसे अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं फॉरेन कंट्री में. तो वी कैन मेक अनदर पॉडकास्ट एज वेल. कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा. अगर यहाँ तक देख लिया है तो फिर तो मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहूंगा जिसने भी यहाँ तक देख लिया है. घर आ जाऊंगा और लाइक पांच करें, स्पर्श करने सब्सक्राइब करें. बस. तो अगर बस वही कमेंट से बताइए. और हाँ, अगर कोई नया यहाँ तक देख चुका है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट करें, बिल्कुल रिप्लाई करेंगे. और अगर आप मैसेज मतलब इंस्टाग्राम में DM भी कर सकते हैं. आई एम हैप्पी टू रिप्लाई योर मैसेजेस. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू. थैंक यू.